और जे अमृतसर वल्ला गांव के रहने वाले हैं और इस ब्रदर की गवाही जे जे बता रहे कि जे एक साल से प्रभु के ऊपर बिलीव करते से और करते थे और जे ब्रदर दो साल से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और जे ब्रदर की गवाही जे बता रहे कि जे काफी समय से ड्रिंक का नशा करते थे, जे बता रहे कि जब बचपन से इनकी एज काफी इनके जब इन्होंने अपनी होश को संभाला जे बता रहे कि उस समय से ही जे बहुत ज्यादा ड्रिंक का नशा करते थे और अब तक जे 40-45 एज हो चुकी है इनकी, अब तक जे नशा करते आ रहे थे। पर जब इन्होंने प्रभु की गुड न्यूज को सुना और उस समय इन्होंने विश्वास किया तो परमेश्वर ने इनको इस नशे से आजाद कर दिया। पर जब जे इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे और आज से 4-5 महीने जे प्रभु की संगति में नहीं थे आ रहे, किसी कारण जे पीछे हट गए थे और फिर से जो नशे की प्रॉब्लम थी फिर से इनके जीवन में आ गई और जे फिर से 4-5 महीने से नशा कर रहे थे, बहुत ज्यादा ड्रिंक का नशा करते थे और जिसके कारण जे बहुत परेशान थे, इनकी फैमिली भी परेशान थी और प्लस इनके कानों में भी एक प्रॉब्लम थी। एक महीने से इनके कानों में ऐसी शां शां की आवाज आती थी जिसके कारण जे पूरी रात, एक महीने से बता रहे कि रात को इनको नींद नहीं आती थी, उसके कारण भी जे ब्रदर बहुत परेशान थे। और जैसे जे ब्रदर भी संडे की मीटिंग में आए और जे ब्रदर ने भी अपने फॉर्म के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को लिखवाया और जैसे इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई, सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। जलाल है तू, जलाल है, जलाल है तू, जलाल है, जलाल है तू। ब्रदर ने बताया कि जैसे इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई और उसी समय प्रभु की ग्रेस ने इनको टच किया और जो इनके कानों की प्रॉब्लम तो उस दिन ही अच्छी हो गई थी और उस दिन ही इनको रात को बहुत अच्छी नींद आई। और जैसे ही प्रभु के दास ने मंडे के दिन स्पेशल मीटिंग रखी थी जिन लोगों ने अपने फॉर्म के ऊपर प्रॉब्लम को लिखवाया था, उस दिन जब ब्रदर भी मीटिंग में आए और इस ब्रदर ने भी जब प्रभु के दास हर एक को अलग अलग प्रॉब्लम के अनुसार उनको उत्साहित कर रहे थे, इनको भी टीच किया, वचन के अनुसार उत्साहित किया और जब ब्रदर भी उस दिन से प्रार्थना कर रहे थे और इस ब्रदर ने बताया कि उस दिन से ही जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे, परमेश्वर ने इनको जो ड्रिंक का नशा था उससे पूरी तरह से इनका जो मन है वो बिल्कुल नहीं, अभी इनका ड्रिंक करने को मन करता, परमेश्वर ने इससे इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया है। और सेकंड इन्होंने बताया कि जब ये ड्रिंक करते थे तो उसके कारण इनके ऐसे पेट में इन्फेक्शन बन गई थी जिसके कारण बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, उसके लिए भी इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की और प्रार्थना करवाई और आज ये ब्रदर पूरी तरह से परमेश्वर ने इन सब प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हरी खुशी मैनु ये सुने बखाइए, ऐसे खुशी विच अख पर आइए, हरी खुशी मैनु ये सुने बखाइए, ऐसे खुशी विच अख पर आइए, ओ दो लोक विच देनी मैं गवाही है के नचने नु दिल करदा, ओ दे लोक विच देनी मैं गवाही है के नचने छह महीने से कर रहा था और जब दो साल पहले वो प्रभु की हजूरी में आया उस समय उन्होंने छोड़ दिया, पर बचपन से कर रहा था पर ना आने से। बचपन से कैसे, मतलब जब उन्होंने बताया कि अपने होश ऐसे संभाली थी, होश होश तो आदमी अपनी होश कब संभाल लेता है, बचपना तो 10-12 साल तक बचपना ही होता है, तो 15-16 साल में वो समझ आता, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि तब से उन्होंने ये चीज नशे को शुरू, बलाऊं मैं थोड़ा और भी इसको क्लियर करता हूं। कितनी एज थी, हाँ सामने खड़ा कर, जब आपने नशा शुरू कर दिया बचपन, मतलब 12 साल के 15 के 17 20 साल ठीक है, हाँ क्योंकि अच्छी समझदार 20 साल की एज थी जब, अब आपकी एज कितनी है, हाँ जी 40-45 है, अभी 40-45 साल है, हाँ तो 20 साल की एज थी जब से आपने नशा शुरू किया, हाँ जी, और इतने सालों से आप नशा कर रहे थे और दो साल आप पहले इस मिनिस्ट्री में आए, हाँ जी, और फिर आप बैकस्लाइड हो गए, छोड़ दिया आपने, चले गए, हाँ जी है ना, हाँ जी, और फिर से
आप नशा करने लगे और 6 महीने फिर पहले आप आए, फिर आए दोबारा आए है ना, 6 महीने पहले आप फिर आए और फिर आए और फिर आकर फिर आप पीछे चले गए, फिर आप फिर से ज्यादा नशा करने लगे। क्या करने लगे? ज्यादा नशा करने लगे। और फिर अपने मन बनाया कि मैं वहां पे जाऊं, क्या जाऊं, और जैसे ही आप आए, क्योंकि देखो क्रेज कम करती है, और जैसे ही ये फिर आए और खुदा ने, कैसे थी इनकी बताओ मुझे हिल, कैसे इनकी टेस्टामनी है, जब जे आए और 1 महीने से इनके कानों में ऐसे शाशा की भी आवाज आ रही थी 1 महीने से, और जिस दिन संडे की मीटिंग में फॉर्म फिल किए इन्होंने, फॉर्म फिल किए, ले हैंड हुई उस चीज के लिए, क्या हुई, फॉर्म फिल किए और ले हैंड हुई, और फिर से जो पर्सनल मीटिंग थी मंडे उसमें भी ये आए थे, ये आए और मैंने उस दिन हर एक को जिसकी जो प्रॉब्लम थी उसी के अनुसार सबको टीच किया था, और ये आए और इन्होंने उस बात को समझा। देखो अब इतने सालों की वो प्रॉब्लम और फिर से ये 6 महीने से कितना नशा करने लगे, और आज उसी दिन से जब जे फिर इन्होंने मन दोबारा बनाया और आए, हाँ परमेश्वर का सामत का हाथ इनके ऊपर आया और उन्होंने उन वचनों को समझा और आज क्या है, हाँ आइए क्या कहते हैं कि आज आपका मन करता है पीने को, दिल नहीं करता ना। देखो जब परमेश्वर की सामर्थ शुरू शुद्धि है तो फिर वो मन नहीं करता अपने आप, और जैसे शामत ने छुआ आराजन का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ये फ्री है उस नशे से, नशे की दुष्ट आत्मा से भी, और जो कानों में छांछा कितने समय से, 1 महीने से दोनों प्रॉब्लम से परमेश्वर ने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तारीफ करो तारीफ करो। अगर आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।